तो रोज की तरह आज भी सुबह के 10:30 ही बज रहे होते हैं कि हमारी नानी के घर के सामने ये ढपले वाले हमारी कुंभकर्ण जैसी नींद की ऐसी की तैसी कर देते हैं। लेकिन हम कुछ भी तो नहीं कर सकते क्योंकि हम आए भी तो इन्हीं की शादी में। तो चलो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना छोटा सा गाँव दिखाते हैं। तो अभी हम शाम को सोकर उठे ही थे कि हमारे पास एक और शादी का कार्ड आ जाता है, जिसकी शादी 15 मई को थी। तो कार्ड को साइड में रखते हैं और चलते हैं मुंगावली दहेज प्रथा को सहयोग करने के लिए। तो अभी हम शाम को गांव के मजे ले ही रहे होते हैं कि पता चलता है कि हमारे सुंदर बालों को किसी की नज़र लग जाती है और वो यहाँ पर उकरे बिकरे पड़े हुए थे। तो हम निकल पड़ते हैं बालों को सेट करने इस सेट बेट के साथ। सेट बेट ने तो यार सच में ही बालों को सेट कर दिया। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं मुंगावली शॉपिंग करने, मेरा मतलब शॉपिंग कराने। तो हम दिल को काबू में रखते हुए घुस जाते हैं इस स्टोर में माल देखने, मेरा मतलब सामान देखने अपने लिए। पर यहाँ हमारे लायक कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं होती क्योंकि ये एक लेडीज स्टोर थी। परंतु इस स्टोर में भी हम हमारे लायक चीज खोज ही लेते हैं, ये चश्मा। पर ये चश्मा हमारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। तो जिस प्रकार से हमने इसे ईमानदारी से उठाया था उसी ईमानदारी के साथ हम इसे रख भी देते हैं। इसके बाद हम एक दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर दहेज में देने के लिए एक टंकी चाहिए थी जिसमें बहू पानी पी सके। बट उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी और पैसा भी ज्यादा मांग रहे थे। तो हम निकल जाते हैं दूसरी शॉप पर और ये मामा की लड़की हमारे ब्लॉग में 4 चांद लगाते हुए। तो अब हम पहुंच जाते हैं दूसरी शॉप पर और यहां से ले लेते हैं एक टंकी जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी, पूरे 750 रुपए की। अच्छा तो फाइनली हम लोग नाइट के शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और नाइट तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, जिसके लिए सॉरी बट आपको इसके लिए दूसरा पार्ट देखना होगा इस ब्लॉग का। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।